हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल में। आशा करते सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। करवा चौथ के आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं भी जा रही हूँ तैयार होने। कल के वीडियो में कुछ भी नहीं दिखा पाई, रात को रागिनी के पापा आए तो फिर बाजार उजार गए तो सारा सामान खरीद के लाए हैं। तो देखिए मैंने निकाल लिया है सब पहनने के लिए। बस अब नहा हुआ के बैठी हूँ, जा रही हूँ तैयार होने। बस दिखा रही हूँ आप लोगों से, ये हार लाई थी मैं कल, आर्टिफिशियल गजला लाई थी, ये हार लाई थी, ये रेड कलर की चूड़ी है और चूड़ा में मिक्स करके पहनूंगी। ये प्लास्टिक है तो कांच इसमें मिला के पहनते। आई इसमें के देखिए, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये मेरी शादी की फर्स्ट साड़ी है, जो गुरहेथी होता है ना वो, ये तभी एक बार भी मैंने नहीं पहना है तो सोच रही आज पहन लू। ऐसे रेड कलर की है साड़ी, लेकिन उसमें ब्लैक था ना तो ब्लैक नहीं पहनते थे, इसलिए मैंने ये ही निकाल लिया। आई इसमें के ब्लाउज नहीं हो रहा है तो मैंने ये ब्लाउज दूसरा अभी खरीद के लाया है, ये गोल्डन कलर का, क्योंकि इसमें गोल्डन का ही है धागा। ये बनारसी साड़ी है तो इसमें चल जाएगा, तो ये अभी ब्लाउज मैंने अभी लेके आया है। तब जा रही हूँ तैयार होने, अब बाकी की अभी खरीदारी। रात ही आए थे, रात को लाए थे, ये देखिए थाली लेके आए। तो फिर मैंने मेहंदी उहंदी लगाने लगी तो टाइम नहीं मिला आप लोगों से दिखाने के लिए, तो मैं सोची अभी पहले दिखा दूँ उसके बाद तैयार होते हैं। ये छन्नी चांद के देखने के लिए, अपने चांद को देखने के लिए, बाकी अब बाद में आप लोगों के, चलिए तैयार हो जाती हूँ। देखिए गाइस, यहाँ पे तैयार हो रही हूँ। मेरी नंदिनी बाल बना रही है और रागिनी बैठी हुई है। रागिनी कभी क्लिप दे रही है, कभी पीन दे रही है, कभी कुछ दे रही है। नंदनी जूरा बना रही है। नंदनी के इस जूरा बनाने में, बाल बनाने में, इस काम में बहुत मजा आता है। पढ़ाई करने में बस उसको अच्छा नहीं लगता है, बाकी काम ये करवा लीजिए तैयार व्यार होने में बहुत ज्यादा उसे मन लगता है सजाने में। इधर मेरा फाइनल लुक में तैयार हो चुकी है, बस लास्ट में बस चूड़ा पहन रही हूँ। अब जल्दी पहन रही हूँ, लेट भी हो रहा है, अब पूजा के भी टाइम हो रहा है, तो बस हाली हाली लगी हूँ तैयार होने में। सबसे लास्ट में मैं अब महावर लगा रही हूँ। मैं जैसे बैठी पूजा करने के लिए, सब लेके तैयार पड़ा कि महावर लगा लूँ, उसके बाद में पूजा करूंगी। देखिए फिर उसके बाद में मैंने चौकी लगा लिया है, अब बस करोए में मैंने रख लिया है। इसमें मिठाई, जो भी मिठाई था मेरे पास, वो मिठाई मैंने इसमें भर दिया है। अब बस उसके ऊपर दीप जला देंगे चावल वावल रख के। अलावा अब मेरी रागिनी भी साथ में बैठ गया पूजा करने के लिए। एक तरफ उधर छोटा वो था ना चौकी, तो इसी पे मैंने रख दिया है। अब दीवार में वो फोटो लगा के सिंपल सा पूजा, क्योंकि पहली बार कर रही हूँ तो उतना समझ में नहीं आ रहा है, जैसे मैंने किसी और से पूछ के कर रही हूँ, तो बस उतना जितना पता है हम लोगों की तरफ होता है वैसे ही बताए, तो बस वैसे ही कर रही हूँ। तो मैंने अब पहले करवा माता को, गौरी गणेश को टीका लगाने के बाद करवा माता है, सब फोटो में थे, उनको उनको टीका लगा दिया है सिंदूर। बस ये बैना निकाल रही हूँ, ये बैना जो बोलते हैं निकालते हैं करवा माता को। मैंने सारी उड़ू बिंदी उन्दी सारा चीज वो चढ़ा दिया है, उसके बाद में ये बैना निकाल रही हूँ, ये देते हैं सास को, बता रहे थे, तो वही निकाल के अलग ये थाली में रख देती हूँ। उसके बाद हम अब कथा सुनेंगे, हाथ में अक्षत फूल लेके। इधर मेरी रागिनी भी बैठ गई है, और मन के मैंने बोला साथ में बैठ के पढ़ दे किताब, तो वो ऊपर बैठ के पढ़ रहा है, मैं सुन रही हूँ। मेरी रागिनी भी बैठ के हाथ जोड़ के सुन रही है। देखिए उसका स्टाइल कैमरा में, उस वक्त तो मैं नहीं देखी तो कुछ नहीं पता चल रहा था, लेकिन जैसे करो ऐसे करती है। अब मेरा पूजा समाप्त हो गया, कथा मैंने सुन लिया, उसके बाद में अब हाथ जोड़ लिए। पूजा तो हो गया दोस्तों, पहली बार करी हूँ, जैसे आया समझ में ऐसे कर ली। तो अब जा रही हूँ रागिनी को ऊपर पहले चढ़ा दू, फिर बात करेंगे। देखिये मेरी रागिनी भी आ गई, मैंने पूजा कर लिया है, इतना ये सारी हेवी है ना, गर्मी लग रहा है मुझे। अब जा रही हूँ पंखा चलाऊंगी तो ये थोड़ा दिया भी बुझ जाएगा। तो मैंने खीर और पूरी बनाया था, वो भी मैंने भोग लगा दिया है, सब्जी उब्जी के लिए।
तैयारी करना है। हमारी रागिनी अभी बैठ चुकी है, जाना था मंदिर में लेकिन काफी टाइम हो गया तैयार व्यार होते होते, फिर मैंने सोचा मन पूजा के टाइम निकल जाएगा, फिर पूजा वूजा कर लिए घर ही में, अमन पढ़ दिया कथा फिर सुन लिए मोबाइल में, हम लोग कथा लगा के सुन लिए। इधर मेरे पति देव आ गए ड्यूटी से। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, आप लोग कैसे हैं? ऐसा करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे दोस्तों। अब आज पहली बार घर में पूजा हुआ है करवा चौथ का, अब देख सकते हैं गाइस, हम भी जा रहा हूँ थोड़ा नहा लेने, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। देखिए दोस्तों, आ गई हूँ पूजा वूजा करके, अभी चांद निकलने में टाइम है, तब तक मैं सब्जी इधर बना लूँ, पनीर की सब्जी बना लूँ। देखिए अब सब्जी बनेगा पनीर और मटर का। इधर आ गई हमारी बेचैन है खाने के लिए, अभी बोल रही हूँ रुक जाओ थोड़ा देर। इधर प्रसाद बन चुका है, खीर बनाई थी पूरी, थोड़ा सा सेकी थी करवा में भरने के लिए। देखिए गाइस, मैं चांद निकल चुका है, अब मेरे छत पे से चांद नहीं दिख रहा है, बहुत इंतजार करने के बाद मैं आई हूँ। मैं बगल में अपने पड़ोसी के छत पे, तब मेरी बेटी देखिए, सबसे पहले इसी को बता दे रही हूँ, देख सकते हैं कैसे मेरी बेटी चांद देख रही है, उसको इतना मजा आ रहा है ना चांद को छन्नी से देखने में, वो हंस हंस के चांद देख रही है। वहां पे पूरा सब बच्चे भी देख रहे थे, इसको देख के हंस रहे थे ऊपर से, बाकी दूसरे छत पे से ये देख रही है, हंस रही है, देख रही है, हंस रही है। तो मैं जैसे जैसे कर रही हूँ, तो ये भी बोल रही थी कि मम्मी मुझे भी दो, मैं भी अर्घ दूंगी सूर्य के। और वो चल, तो मैंने बाकी तो नहीं पकड़ाया था उसे, बस छन्नी पकड़ाया था, तो बस उसी को लेके बार बार देख रही है, हंस रही है, बोली कि मम्मी ऐसे करते हैं, तुझे मैं बता रही हूँ करने के लिए। तो देखिए उसका एक कॉमेडी बना दी थी, इतना हंस रहे थे उसके ऊपर। तो बस इधर ये भी आने के लिए राजी नहीं थे, बहुत मुश्किल से मैंने इन्हें लेके आया, कि मैंने बोला बहुत रात हो गई है, अब हमारे छत पे नीच पड़ता है, इनका थोड़ा ऊंचा पे है, चांद दिखता ही नहीं है, बाकी से दो तीन बिल्डिंग ऊंचा है ना इनका घर, तो बस उस पे से देखिए कितना क्लियर चांद दिख रहा है। हम काफी देर से इंतजार करते करते फिर आए, बोले थे कि अब तो लग रहा है कि 12 बज जाएगा। फिर उसके बाद हमारी रागिनी के देखिए, बोले कि मम्मी पहले टीका लगाओ, दादी अम्मा की तरह खड़ी है वो, उसके बारे में जितना कही है उतना ही कम है, इतना मस्ती शरारत करती है, और दोनों हाथ ताली बजा बजा के हंस रही है। और उसके बाद मेरे घर में भी आई है तो कॉमेडी बना के रख दी है, बोलती है कि ऐसे कर करके देखो, देखिए ताली भी बजा रही है, दोनों काम कर रही है साथ के साथ। बस इनका पूजा हो गया है, यही आज पहने हैं ड्रेस, तब वो भी कपड़ा देख के हंस रही थी, पापा आप भी नए पहन लिए हो। अब फिर से मैंने उसे पकड़ा दिया, वही बार बार छन्नी मांग रही थी कि मम्मी मुझे दे दे, और उसे कुछ नहीं चाहिए, बाकी बच्चे खाने पीने के लिए मांगते हैं लेकिन उसे छन्नी चाहिए। गाइस, हमने चांद के अब देख लिया है, अब जा रहे व्रत खोलने के लिए। अब रागिनी के पापा अभी बैठ गए भी है हाथ गोड़ धोने के, तब साथ में व्रत खोलेंगे। तो पहले मैं तो खाना निकाल ले रही हूँ, अगर देखिए ये रागिनी के लिए मैंने पनीर रखा है, भूल गई थी इसी दिन, एक मेरा नहीं, अभी नहीं, एक मेरा। इधर बनाई थी देखिए पकौड़ा, दे रख के चली गई, तो थोड़ा सा पकौड़े भी है, मिर्ची के पकौड़े है, इसके अंदर पनीर, खीर, और इसके अंदर चावल। अभी मैं कपड़े चेंज करूंगी, उसके बाद खाऊंगी। पकौड़े के साथ पूरी खाएंगे? नहीं, पकौड़े के साथ खाएंगे पूरी। अभी सब्जी निकाल रही, देखिएगा सब्जी पनीर बनाई थी, पनीर मटर पनीर। कुकर में मैंने चावल बना दिया है, कुकर में तो बनाती नहीं हूँ, तो कुकर में चावल पसंद नहीं पड़ता है मुझे।
अब गर्मी इतना लग रहा है अब, आज मौसम थोड़ा, क्योंकि पंखा बंद करके रखे थे धीरे चल रहा था तो इसमें भी गर्मी हो रहा है। चलो ये देखो रसगुल्ला लेके कहाँ जा रही है, खा पी के रसगुल्ले खा रही है। हाँ। गुलाब जामुन खा रही है। हाँ, वही गुलाब जामुन, रसगुल्ला, रसगुल्ला कैसे बोलते हैं, रसगुल्ला बोले क्या बेटा, छोटा एक कटोरी खीर के लिए। गाइस आ जाइए खाना खाने के लिए, मेरा बर्फ तोड़ रहे हो क्या? गाइस बारात आखिर हो ही गया, हमारे छत पे तो चांद के पता ही नहीं था, दूसरे के छत पे गए थे। अभी पड़ोसी के छत पे से चांद लेके आ रहे देखते देखते पता है 11 बज चुका, इनके चक्कर में बोल रहे अब निकल ही जाएगा, अपने से चांद आ ही जाएगा, आ ही जाएगा। 11 बज रहे हैं, ये थोड़ा इंतजार करना चाहिए। इसको देखो ना कितना मस्ती हो रहा है मन। आज रागिनी के ना इतना मस्ती हो रहा है। क्यों हो रहा है रागिनी, क्यों हंसी आ रहा है, हंसी क्यों आ रहा है, पागल होना चाहिए। आ देखिए ये कमर में देख सकते गाइस, कमर को गर्मी नहीं लग रही, इसे ठंडी लग रहा है, ठंडी लग रहा है, ऐसे घुस जाता है। आज कैमरा मैन है इसके पापा। गाइस मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं मेरे को आगे से, आगे अब पीछे से आप देख सकते हैं। और गाइस हम लोगों ने खाना वाना खा लिया है, खाना वाना खा के बिस्तर से लगाया के अभी मस्ती चल रही है हम लोगों का। अब जाएंगे हम सोने, एडिटिंग हो चुका है कल के वीडियो के लिए। गाइस आज के वीडियो के हम करते हैं यहीं पे एंड, यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय 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 बूम बूम।